राजसमंद जिला मुख्यालय पर मतगणना स्थल पर भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी जी मतगणना केंद्र के कक्ष से जैसे ही बाहर आई हुई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इकलौती पहनाकर स्वागत किया और भाजपा के जिंदाबाद के जयकारे लगाए हैं। महिमा कुमारी जी जो कि अब भाजपा की सांसद बन चुकी हैं, हालांकि अंतिम राउंड की गणना बाकी है। मुख्य रूप से विभिन्न पार्टी के जो पॉलिटिकल एजेंट आए हैं, काउंसिल एजेंट आए हैं, कैंडिडेट्स के जो काउंसिल एजेंट आए हैं, उनसे भी आग्रह है कि आपकी यथास्थान आप गिरा जाए। जीत के बाद जैसे ही महिमा कुमारी मेवाड़ बाहर आए तो उनसे बातचीत करने की प्रयास करेंगे। वो जीत के बाद क्या कुछ कहते हैं जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे लगे तू केवल खंडे लगाओ मेमोरी के चक्कर में पड़ेगा। अरे वो आनंद जी आप मैं बाहर आई थी, शांति से बैठूंगी थोड़ी देर सबके साथ, आप लोग ने पकड़ लिया। जी मैडम बताएं, अब तो करीब करीब पूरी जीत फाइनल हो चुकी है, किस तरीके से उत्साह है? नहीं, बहुत खुशी है और मैं सबसे पहले अपने पूरे राजसमंद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और जितने भी हमारे एमएलए गण और कार्यकर्ता हैं बीजेपी, उन्होंने इतनी मेहनत की हम सब ने, तो खुशी मुझको है और सबको है। अब कड़ी से कड़ी दूर जाएगी इसके बाद, किस तरीके की बात रहेगी राजसमंद? ये देख, जैसे मैंने पहले कहा है कि जब मैं चुनकर जाऊंगी और अब तो फाइनल हो गया है, तो मैं राजसमंद की आवाज़ बनूंगी और जो भी काम है, और मेरे लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, सब काम है। हम लोग सब मिलकर जितने 8 एमएलए गण हैं, मैं भी जुड़ गई हूँ, हम लोग मेहनत से हर काम करेंगे। आपके लिए फील्ड मैडम ये बिल्कुल ही नया रहा था, एक सर एक तरह से आप राजनीति में आपका पहला ही कदम था, उसके बावजूद ये आपकी एक जीत है, सबसे बड़ी जीत है, 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैंने यही चीज़ बोला है कि मुझे राजनीति नहीं आती है, मेरा लोगों से जुड़ाव है, मैं उनके बीच में बैठती हूँ, उनका दुख सुख सुनती हूँ और जितना मुझसे होता है मैं उनके लिए करूँगी। तो अब आप सहज रूप से जनता के बीच उपलब्ध रहेंगे? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि 1400 वर्ष से ये हमारा और पूरा मेवाड़ का कनेक्शन है, मारवाड़ का, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये नया तरीका है और लोगों के बीच में पहुंचने का, और उनके लिए रूम नंबर 7 जेटायन काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने का रेस्टोरेंट है। पुरुषोत्तम जी आने का इलेक्ट्रीशियन रूम नंबर 7 जेटायन विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग रूम पर पहुंचने का रेस्टोरेंट। तो आपने जैसा देखा कि भाजपा उनकी महिमा कुमारी जी जो सांसद बनने के बाद कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इसे उत्साह जताया है, इस जीत को लेकर काफ़ी अच्छा उन्होंने कहा है कि ये पूरा जनता के लिए तन मन से हर हमेशा वे अपने कार्य करेंगे और करते रहेंगे। शानदार जीत है, हमारी सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और हमारे मेवाड़ घराने की जीत है। इसमें पिछली बार की जीत से कुछ आंकड़ा कम हुआ है, घटा है? आंकड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जीत तो बम्पर ही है। मेरे हिसाब से राजस्थान में नंबर 1 जीत है हमारी, और नागद्वारा की जहाँ तक बात करें तो वहाँ बड़ा है पहले से 52। जयपुर में मंजू शर्मा की देखी जा रही है, इसके अलावा यहाँ की और अभी हालांकि क्लियर नहीं हुआ भीलवाड़ा, और ये 3 सीटें तो ऊपर चल रही है, राजसमंद, भीलवाड़ा और जयपुर। पहले भी यही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में थे, इस बार भी टॉप 3 में है। इसलिए जैसे इस बार राजस्थान में और अन्य जगहों की सीटें भाजपा की काफ़ी कम हुई है,
क्या लग रहा है इस बार सरकार विपक्ष मजबूत हुआ है या विपक्ष कहीं छीन लेगा? कोई नहीं छीन सकता है, चप्पा चप्पा भाजपा और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे, मोदी जी कोई नहीं छीन सकता, बिल्कुल 100% मोदी जी बनेंगे। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं, आप देख सकते हैं सभी मतगणना स्थल पर ही मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं महिमा कुमारी मेवाड़ और भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर उत्साहित सभी कार्यकर्ता हैं बैठे हैं उनके आसपास। और जैसा कि भाजपा के नेता प्रदीप काबरा ने कहा है कि ये अब उनकी जीत जो है वो वोटों का आंकड़ा भले ही कम हुआ है लेकिन जीत उनकी तय है। अभी मैं मतगणना स्थल के बाहर मुख्य यहाँ पर जैसे मतगणना लगभग सभी विधानसभा में पूरी हो चुकी है, सिर्फ मेड़ता विधानसभा में अभी मतगणना बाकी है जहाँ पर मतगणना चल रही है, और इसके अलावा सभी विधानसभा में मतगणना पूरी हो चुकी है। विधानसभा का एक राउंड अभी बाकी है, वह भी अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो जीत का आंकड़ा है 3,89,000 के आसपास पहुंचा है, जो कि वो पहले घटा था। और सबसे रोचक और दिलचस्प बात यह है कि मेड़ता विधानसभा जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर गुजर को लीड मिली है, यह एकमात्र विधानसभा ऐसी है जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है, यहां पर बढ़त मिली है। इसके अलावा अन्य जो विधानसभा हैं नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़, भीम, मेड़ता, डेगाना और जेतारण, इन सभी जगह भाजपा प्रत्याशी ही जीत हासिल की हैं, सभी जगह भाजपा प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई है। हमारा प्रयास रहेगा इससे जुड़ी